वीडियो क्लिप देखी, ये एक तेंदुआ है, जंगली जानवर, और ये गाजियाबाद के कोर्ट परिसर में घुस गया है। इसने चार लोगों पर अटैक किया है दोस्तों, एक वकील, एक कोर्ट के किनारे में जो मोची बैठता है, जूते सिलने वाला, पॉलिश करने वाला उसके ऊपर, और दो अन्य व्यक्ति। अभी मैं आपके और वीडियोस दिखा रहा हूँ उसके बारे में जानकारी दे दूँ दोस्तों। ये पहली बार ऐसा मामला हुआ है अभी तक, कौन रोड या किसी के घर के आसपास या छत पर तेंदुआ नजर आता था, लेकिन ये कोर्ट, गाजियाबाद की एक कोर्ट के अंदर दहशत का माहौल इतना बुरी तरीके से बन गया जैसे कि ये कोर्ट के अंदर घुसा। अब सोचने वाली बात ये है कि ये तेंदुआ आखिर कोर्ट के अंदर घुसा कैसे है, इसने चार पांच लोगों को घायल कर दिया बहुत बुरी तरीके से। दोस्तों इस तेंदुए का अभी तक तो कोई भी खबर नहीं, कोई भी रिपोर्ट नहीं कि ये तेंदुआ कोर्ट के अंदर घुसा कैसे, ना कोई सीसीटीवी कैमरा इसका निकल कर आया और ना ही कोई किसी इंसान व्यक्ति ने इसको देखा कोर्ट के अंदर जाते हुए कि ये आया कहाँ से। आखिर बताया जा रहा है एक दो अन्य व्यक्ति ने देखा कि थर्ड फ्लोर पर खड़ा था, थर्ड फ्लोर पर जैसे ही इसने छलांग मारी तो दोस्तों ये सीधा कोर्ट के अंदर गया, और कोर्ट के अंदर जैसे ही घुसा दहशत का माहौल इतना हो गया लोगों में, वकीलों में अफरा तफरी हो गई। और वहाँ पे हालांकि बताया जा रहा है कि पुलिस की सिक्योरिटी हरदम रहती है, लेकिन दोस्तों ये एक जंगली जानवर है, पुलिस भी आखिर क्या करती। जंगली जानवर दोस्तों, जंगली जानवर होता है, वो किसी पर भी हमला कर सकता है। सोचने वाली बात है, जैसे ही ये खबर अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, बहुत कायास लगाए जा रहे हैं, अभी तक जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसको पकड़ा नहीं गया है। बहुत अच्छी तरीके से लोग इसको पकड़ने के प्रयास कर रहे हैं, जाल लाया जा रहा है दोस्तों, पता नहीं अब ये किस तरीके से इसको बेहोशी का इंजेक्शन लगाया जाएगा या कैसे पकड़ा जाएगा। लेकिन जंगली जानवर के इस तेंदुए के कोर्ट के अंदर घुसने के बाद में जो दहशत का माहौल है, सोचिए आप लोग सुनकर ही इसको एक खौफ के बारे में सोच रहे होंगे कि खौफ हुआ होगा, लेकिन सोचिए जरा वहां पर जिस समय ये तेंदुआ घुसा होगा तो डर का और खौफ का क्या माहौल होगा। वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और जल्दी से जल्दी ये तेंदुआ गिरफ्तार होना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए। हालांकि कोर्ट के अंदर घुसा है और कोर्ट का मामला तो दोस्तों बहुत गंभीर होता है, अब इसको कहाँ डाला जाएगा ये देखने वाली बात है कोर्ट में से निकाल कर।